ओके, तो सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा राउटिंग फंडामेंटल्स। ओके, राउटिंग फंडामेंटल्स। सबसे पहले तो राउटिंग क्या होता है, राउटिंग मीन्स क्या होता है। जस्ट कंसीडर करते कि मेरे पास जस्ट कंसीडर करते कि मेरे पास एक राउटर है जिसके ऊपर दो डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट है। ओके, राउटिंग का यूज क्यों होता है। सबसे पहले तो जस्ट कंसीडर करते ये मेरा 11 का नेटवर्क है, 11.0.0.0, और ये मेरा 12 का नेटवर्क है। ओके, अभी क्या होता है, 11 का नेटवर्क 12 के नेटवर्क के साथ कभी भी कम्युनिकेशन नहीं करता है। सो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, राउटिंग प्रोटोकॉल हमेशा दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ में आ जाएंगे कि राउटिंग प्रोटोकॉल एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले राउटिंग प्रोटोकॉल तीन टाइप्स के होते हैं। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल एंड डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। अभी सबसे पहले अगर मैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करता हूँ तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में भी तीन टाइप्स के राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो कि कौन कौन से वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा मैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की, ठीक है, उसके बाद बात करूंगा मैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, और उसके बाद बात करूंगा मैं हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल की। ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जिस राउटिंग प्रोटोकॉल का समावेश होता है वो होता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 एंड IGRP प्रोटोकॉल। ओके, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करता तो इसमें प्रोटोकॉल का समावेश होता है वो प्रोटोकॉल है OSPF एज वेल एज द ISIS। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें जो प्रोटोकॉल समावेश होता है वो होता है EIGRP प्रोटोकॉल। ठीक है, सो एक्चुअली इस तरीके का राउटिंग प्रोटोकॉल का चार्ट है, अगर हमें कोई पूछता है तो राउटिंग प्रोटोकॉल कितने टाइप्स के, तो उनको यही यही नहीं बताना है कि स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनामिक है। तो डायनामिक के अंदर डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एज वेल एज हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दो, और एवरी डिस्टेंस, एवरी प्रोटोकॉल के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं उसको भी हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वो है स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल देखते हैं, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के फीचर्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग जंप करते हैं उसके प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, उसके फीचर्स देखेंगे, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, उसके बाद हम लोग जंप करेंगे डायनामिक राउटिंग के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा मोस्टली कंसेप्ट ये रहेगा थियरी, उसके बाद प्रैक्टिकल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग स्लोली स्लोली सब टॉपिक्स कवर करने वाले। तो मोस्टली आज का मेरा टारगेट है स्टैटिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग कंप्लीट करना है। अगर डायनामिक मेरा स्टार्ट होता है तो मैं डायनामिक में राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 और वर्जन 2 कवर करा दूंगा। ओके, तो सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में अगर मैं सबसे पहला पॉइंट बताऊंगा तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल हमेशा मैन्युअली कॉन्फिगर किया जाता है। ठीक है, अगर ये पॉइंट नोट कर रहे हो तो आप भी नोट कर सकते हो, इस कॉन्फिगर मैन्युअली कॉन्फिगर किया जाता है। मतलब अगर मैं स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक टोपोलॉजी, जस्ट कंसिडर करते हैं कि मेरे पास दो राउटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और दोनों राउटर अपने लैन सेगमेंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो नीचे में मैं एक लैन सेगमेंट बना रहा हूँ, ये मेरा एक यूजर पीसी है, ये मेरा दूसरा यूजर पीसी, सेम एज यहाँ पे मैं और एक स्विच ले रहा हूँ, इस स्विच को मैं ऊपर के राउटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, सेम एज इसके पास भी चार यूजर पीसी है, 1 2 3 4। ओके, सो R1 राउटर R2 राउटर के साथ तो कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, जस्ट कंसिडर करते हैं इसके बीच में जो नेटवर्क है 192.168.1.0, ये नेटवर्क /24, और इस साइड में जो नेटवर्क यूज कर रहा हूँ मैं 10.0.0.0/8, और इस साइड में जो नेटवर्क यूज कर रहा हूँ 20.0.0.0/8। ठीक है, इस तरीके का नेटवर्क में कॉन्फिगर करता हूँ, जस्ट कंसिडर करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया कि मैनुअली कॉन्फिगर, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल हम लोगों को मतलब अभी अगर मैं R1 राउटर के ऊपर देखता हूँ, मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, R1 राउटर के ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास दो नेटवर्क है,
तो ये जो नेटवर्क दिख रहा है 192.168.1.0/24, ये एक नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर मैं सेकंड वाले नेटवर्क की बात करता हूँ तो है 10.0.0.0, ये एक नेटवर्क है जो कि मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है, करेक्ट। लेकिन अगर मैं R1 की बात करता हूँ तो R1 के पास ये जो 20 का नेटवर्क है इसका इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, बिकॉज R1 को पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है, करेक्ट। R1 को ओनली उसी नेटवर्क का नॉलेज रहेगा जो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, करेक्ट। जो कि ये जो नेटवर्क है दिख रहा है मुझे, ये वाला नेटवर्क डायरेक्टली और ये वाला नेटवर्क, ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 को बताना पड़ेगा कि अभी तुम्हें R20.0.0.0 इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो R1 के ऊपर मुझे वो मैन्युअली कॉन्फिगर करना पड़ेगा। जब तक मैं मैन्युअली कॉन्फिगर नहीं करूंगा तब तक R1 को पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे कोई नेटवर्क है कि नहीं है, ठीक है। तो मैन्युअली कॉन्फिगर करने के भी कुछ फार्मूले हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, आज के सेशन में डिस्कस करूंगा। सेकंड पॉइंट, हम लोगों को स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में जो डेस्टिनेशन नेटवर्क मीन्स क्या होता है, डेस्टिनेशन मतलब एंड पॉइंट, करेक्ट, जहां पे मुझे रीच करना है। जो मेरा डेस्टिनेशन नेटवर्क रहेगा उस नेटवर्क को मुझे मैन्युअली डिफाइन करना है, ठीक है। उस नेटवर्क को मैन्युअली डिफाइन करना है, मतलब अगर मैं कोई स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करता हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा R1 को कि अभी नहीं, तुम्हें, हेलो हेलो, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। हाँ बोल। ओके। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि R1 को कि हमारा डेस्टिनेशन कौन सा है, ओके। तो सेकंड पॉइंट इज हमें मैन्युअली बताना, सबसे पहला पॉइंट मैन्युअली कॉन्फिगर, और मैन्युअल कॉन्फिगर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास डेस्टिनेशन कौन सा है, ठीक है। तो डेस्टिनेशन ID के अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्फिगर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज फॉर एवरी डेस्टिनेशन राउटिंग हैज टू बी डन मैन्युअली। अगर अगर R1 R2 से भी कुछ कॉन्फिगर करने की देखता हूँ स्टैटिक राउटिंग, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ मेरे पास 10 का नेटवर्क है जो R2 को मिलेगा नहीं, बिकॉज R2 क्या बोलता है, मेरे पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो इसी के साथ कम्युनिकेशन करूंगा। सो इस सिचुएशन में अगर मैं चेक करता हूँ तो 10 का नेटवर्क R2 के पास नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन में अगर मुझे ये मेरा डेस्टिनेशन नेटवर्क है, अगर मुझे उसको कॉन्फिगर करना है तो यहाँ पे भी मुझे मैन्युअली कॉन्फिगर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात मुझे समझ में आती है, लेकिन जस्ट कंसिडर करो कि मेरे पास बहुत सारे राउटर्स हैं। लाइक जस्ट कंसिडर करता हूँ मेरे पास 5 राउटर्स है, ठीक है। तो 5 राउटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैंने एक एक आईपी एड्रेसिंग स्कीमा यूज कर देता हूँ, यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग स्कीमा में यूज करूंगा 192 का नेटवर्क, यहाँ पे 193 का नेटवर्क, यहाँ पे 194 का नेटवर्क, यहाँ पे 195 का नेटवर्क, और इस साइड में मैं लुक बैक दे देता हूँ 50.0.0.1, ये लुक बैक दे देता हूँ, और इस साइड में भी एक लुक बैक क्रिएट कर दूंगा 10.0.0.1, ओके। और सेम एज हर एक का एक लैन नेटवर्क है, ये मैं इस तरीके से निकल रहा हूँ, स्विच है, ठीक है। सेम एज इसका भी एक लैन नेटवर्क है, इसका भी एक लैन नेटवर्क है, ठीक है। जब भी मैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करता हूँ तो मेरे पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, मुझे वो नेटवर्क्स को छोड़ के बाकी जितने भी नेटवर्क्स है, लाइक जैसे कि ये वाला एक नेटवर्क है मेरे पास, ठीक है, ये वाला एक नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क है, ठीक है। मतलब अगर मैं R1 राउटर के ऊपर जाके चेक करता हूँ तो इसके पास ओनली दो ही डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, 192 वाला जो कि लैन सेगमेंट वाला होगा, और एक जो लूप बैक है वो वाला, ठीक है। अगर मुझे बाकी के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करना है, जस्ट कंसिडर करो यहाँ पे एक नेटवर्क है 20 डॉट का नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पे 30 का नेटवर्क, यहाँ पे 40 का नेटवर्क, यहाँ पे दे देता हूँ मैं 51 का नेटवर्क, क्योंकि इधर मैंने 50 का दे चुका हूँ, ओके। तो यहाँ पे R1 को अगर मैं R1 को ये वाले नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करना है तो R1 को मैन्युअली बताना पड़ेगा कि आपको 20 के नेटवर्क में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कमांड आएगा 20 का, ठीक है। सेम एज R1 को ये भी बताना पड़ेगा आपके 193 के पास जाना है, ठीक है। फिर R1 को बताना पड़ेगा 194 के पास भी जाना है, R1 को फिर से बताना पड़ेगा आपको 30 नेटवर्क के पास जाना है। सो इट्स लाइक अ वेरी लेंदी प्रोसीजर। अगर मेरे पास छोटा नेटवर्क है, लाइक 5-6 राउटर्स है, तो मैं इजीली यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास 5-6 राउटर भी है तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास चैलेंजेस बहुत है, ठीक है।
ईच एंड एवरी राउट्स को नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करना ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग स्टैटिक राउटिंग का यूज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ही करते हैं, मैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज ही नहीं कर सकता। इसका मेरे लिए एक रीजन ये होता है कि जस्ट कंसिडर करो कि अगर आपके पास 100 राउटर्स है, अगर मेरे पास 100 राउटर्स है, अगर मैं डायरेक्टली कनेक्टेड दो लिंक अगर मैंने रिमूव कर दिया, मतलब उन लोगों को छोड़ के मुझे हर राउटर के ऊपर 98 राउट्स का कमांड चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास 100 राउटर है, तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ एक राउटर के ऊपर, ठीक है। सो एक राउटर के ऊपर अगर मैं 98 राउट्स का कमांड चलाना पड़ रहा है, सो लाइक मेरे लिए ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं 100 राउटर को कॉन्फिगर करने जाऊँ तो मिनिमम मेरे को 4-5 दिन तो आराम से लग जाएंगे, ठीक है। तो एक लाइक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा, ठीक है। सेकंड थिंग, चलो मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा कॉन्फिगर कर सकता हूँ तो मैंने कर भी दिया। अभी जस्ट कंसिडर करो कि मेरे पास कोई राउट्स की एंट्री नहीं आ रही है, 98 में से मैंने शायद 2 राउट मिस कर दिए, ठीक है। तो उसको मुझे ट्रबल शूट करना सबसे ज्यादा हेडेक वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग स्टैटिक राउटिंग का बिल्कुल भी यूज नहीं करते, ठीक है। तो अभी तो यहाँ तक तो मैंने थियोरेटिकल बताया, कि थियोरेटिकल में एक बार फिर से पॉइंट बता देता हूँ कि हमारे थियोरेटिकल में क्या क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए अगर मैं स्टैटिक राउटिंग के बारे में कोई मुझे पूछता है तो। सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग कॉन्फिगर मैन्युअली, हमें डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी पता होना चाहिए, थर्ड पॉइंट इज यूजिंग द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके पहले मैंने एक बताया था फॉर एवरी डेस्टिनेशन राउटिंग हैज टू बी डन मैन्युअली। अगर हमें कुछ भी कॉन्फिगरेशन करना है यहाँ पे मैन्युअली करना है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया वो पॉइंट, ठीक है। डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी पता होना चाहिए, ठीक है, और ये हमेशा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, बिग ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए यूज नहीं करते, उसके बारे में मैंने डिसएडवांटेज बता दिया है, ठीक है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूंगा। तो सबसे पहले तो समझ ले कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है ट्रस्ट वर्दी वैल्यू, जिसका एडी वैल्यू, एडी मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू, जिस राउटिंग प्रोटोकॉल का एडी वैल्यू सबसे लो होता है वो मेरा ट्रस्ट वर्दी प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं जो प्रोटोकॉल सीख रहा हूँ वो है स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। सो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का जो एडी वैल्यू है वो है 1, ठीक है। हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हमें दिखेगा भी कि एडी वैल्यू क्या है और किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं स्टैटिक राउटिंग का एक स्मॉल टोपोलॉजी बनाता हूँ, जिसके अंदर तुम्हें समझ जाएगा कि स्टैटिक राउटिंग किस तरीके से वर्क करता है और हमें क्या क्या करना चाहिए स्टैटिक राउटिंग कॉन्फिगर करने के लिए, ठीक है। तो फार्मूला भी मैं उसी में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं दूसरा वाला स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। ठीक है, आज का प्रैक्टिकल मैं पैकेज जैसे भी बताऊंगा, उसके बाद मैं सेम प्रैक्टिकल जीएनएस के ऊपर बताऊंगा। अगर किसी के लैपटॉप में अभी भी कॉन्फ़िगर नहीं है तो मैं कॉन्फ़िगर कर दूंगा, ये 10-15 मिनट का काम है, मैं कर दूंगा कॉन्फ़िगर। ओके, मैंने गेस्ट लॉगिन ऑन कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ये टोपोलॉजी, सबसे पहले तो मुझे टोपोलॉजी क्रिएट करना है। मैं अभी आज का जो सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ वो है सिस्को पैकेज ट्रेसर, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 90% प्रैक्टिकल हम लोग जीएनएस के ऊपर ही करने वाले, क्योंकि हमारा मेनली फोकस सीसीएनपी के ऊपर है और सीसीएनए में हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर रहे हैं, तो इसमें मैं पैकेज ट्रेसर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगा 2911 सीरीज का राउटर, 3 राउटर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि मुझे टोपोलॉजी बनाना है, मुझे इसके नीचे में मुझे एक खुद का नेटवर्क बनाना है जो कि लैंड नेटवर्क रहेगा, ठीक है। तो लैंड नेटवर्क क्रिएट करने के लिए मुझे लगेगा एक स्विच, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्विचेस के ऊपर क्लिक किया, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे में सेकंड ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे मैं 2960 वाला स्विच ले रहा हूँ, सेम है, 3 राउटर ले, उसी तरीके से 3 स्विचेस। उसके बाद मैं कॉन्फिगर करता हूँ, कॉन्फिगर नहीं, मैं इसके पहले यूज करूंगा पीसी, या तो फिर लैपटॉप भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है बोल, ठीक है। मैं इधर एक पीसी एक लैपटॉप ले रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके के मुझे डिवाइसेस का यूज करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए मैं राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन, तो उसके लिए मैं जो केबल यूज करता हूँ वो है क्रॉस केबल, आप यहाँ पे देख सकते, ठीक है। उसके बाद
मैं 2911 राउटर से मतलब R2 से अगर मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ R3 की तरफ सेम एस क्रॉस केबल, अभी मैं करूँगा राउटर टू स्विच, ठीक है, आईपी टू नॉन आईपी डिवाइस। जब भी मैं आईपी टू नॉन आईपी डिवाइस यूज करूँगा तो मैं स्ट्रेट केबल का यूज करूँगा। ओके यहाँ पे फिर से ठीक है, यहाँ पे फिर से नीचे में मेरे यूजर से उसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने इस तरीके का टोपोलॉजी बनाया है। तो सबसे पहले मैं आईपी एड्रेसिंग क्या क्या आईपी एड्रेसिंग स्कीमा मतलब मैं आईपी एड्रेस क्या क्या देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जो डिफाइन करूँगा आईपी एड्रेस, कौन कौन से आईपी एड्रेस देना है, तो वो हम लोग यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट का एक ऑप्शन है, नोट का ऑप्शन है, ओके फाइन। तो ये नया पैकेट है सर, इसलिए थोड़ा समझ में दिक्कत क्या, 192.168.1.0/24 का नेटवर्क मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं कॉन्फ़िगर करूँगा R1 और R2 के बीच में, तो मैं यहाँ पे ये नेटवर्क यूज करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आईपी एड्रेसिंग देता हूँ, बाद में मैं समझाता हूँ कि इस किस तरीके से यूज करना है। यहाँ पे 192.168.2.0/24, यहाँ पे 10.0.0.0/8 /8, और इससे मैं यूज करूंगा 30.0.0.0/8। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके फाइन। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने कौन कौन सा आईपी एड्रेस यूज किया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक स्लिपिंग टू से क्रॉप कर देता हूँ, या तो फिर यहीं पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर टोपोलॉजी देखेंगे तो टोपोलॉजी देख के एक बेसिक आइडिया आ ही गया कि मैंने कौन कौन से राउटर यूज किए और किस तरीके का आईपी एड्रेस स्कीमा यूज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया है R1 राउटर लिया, R1 को मैंने कनेक्ट किया R2 राउटर के थ्रू, और R2 राउटर को कनेक्ट किया मैंने R3 राउटर के साथ। ओके, और हर एक राउटर के लिए मैंने एक नीचे में एक लैन नेटवर्क क्रिएट किया। जस्ट कंसिडर करो, ये मेरा लैन नेटवर्क R1 के लिए है, नीचे वाला लैन नेटवर्क मेरा R2 के लिए है, और यहाँ पे नीचे वाला लैन नेटवर्क मेरा R3 के लिए। ठीक है, अभी तक मैंने आईपी एड्रेसिंग नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो पोर्ट यूज किया है 1.0.0/0, इसके बीच में एक नेटवर्क दिया है R1 और R2 के 1.0.0/0 के बीच में एक नेटवर्क दिया है 192.168.1.0। इसका मतलब क्या होता है कि मैं इस नेटवर्क का कोई भी आईपी एड्रेस यूज कर सकता हूँ। ये मेरे क्लास सी का नेटवर्क है। क्लास सी का नेटवर्क मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने क्लासिफिकेशन बताया ना लास्ट लेक्चर में, क्लास ए कौन सा है, क्लास बी कौन सा है, क्लास सी कैसे डिसाइड करने का, कैसे आइडेंटिफाई करने का, तो उसका फर्स्ट ऑक्टेट देख के हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अगर आइडिया नहीं होगा इसके बारे में तो वो लास्ट वाला लेक्चर जो है वो एक बार फिर से रिपीट कर देना। ओके, तो मैं यहाँ पे मैं कॉन्फिगर करूंगा, यहाँ पे .1, यहाँ पे .2 कॉन्फिगर करूंगा, सेम एज यहाँ पे 2.1, यहाँ पे 2.2 कॉन्फिगर करूंगा, और यहाँ पे रहा मैंने 10 का नेटवर्क लिया है, तो ये इंटरफेस पे 10.0.0.1 कॉन्फ़िगर करूंगा, और यूजर पीसी को दे दूंगा 1.2,
यहाँ पे 1.3, ठीक है, सेम है यहाँ पे 20.0.0.1, यहाँ पे .2, यहाँ पे .3, सेम है यहाँ पे 30.0.0.1, 2 और 3, इस तरीके का मैं आईपी एड्रेसेस के मैं यूज करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले कॉन्फिगर करना स्टार्ट करता हूँ। बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फिगरेशन भी यही भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से कॉन्फिगर किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले R1 ओपन किया है। R1 के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें पूछेगा वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फिगरेशन डायलॉग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना है नो, ठीक है, तो मतलब आपको इनिशिएट करना है सब कुछ न्यू से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एनेबल, सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो राउटर ये सिंबल दिख रहा है, ठीक है, तो ये सिंबल से मुझे एनेबल एनेबल मोड में जाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं एनेबल मोड में जाने के लिए मैंने क्या किया, इस तरीके से ई एन लिखा। ई एन लिखने से उसके बाद टैब दबाने से ऑटोमेटिकली एनेबल आ जाता है। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, जो ये मोड आता है, ठीक है, यूजर मोड, ये सॉरी एनेबल नहीं, यूजर मोड। यूजर मोड से मैं गया राउटर हैश, राउटर हैश मीन्स प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड के ऊपर बहुत सारी कमांड चलती है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल के चेक कर सकते हैं यहाँ पे जितनी भी कमांड्स आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते ऑटो सेशन कॉन्फिगर कॉपी डिबग डिलीट, जितने भी कमांड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब के सब कमांड्स हम लोग यूजर मोड प्रिविलेज मोड के ऊपर चला सकते हैं। प्रिविलेज मोड मतलब राउटर हैश, हैश इज अ सिंबल ऑफ द प्रिविलेज मोड। ओके, अगर मुझे चेक करना है शो रनिंग कॉन्फिगरेशन, शो रनिंग कॉन्फिगरेशन मतलब क्या कि अगर मैं कमांड चलाता हूँ तो मुझे राउटर के ऊपर कुछ भी कॉन्फिगरेशन रहेगा, सो A to Z कॉन्फिगरेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग A to Z कॉन्फिगरेशन, ठीक है। अभी तक तो मैंने कुछ भी कॉन्फिगर नहीं किया तो हमें कुछ कॉन्फिगरेशन देखने को नहीं मिलेगा, अदरवाइज हम लोगों को सभी का सभी कॉन्फिगरेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर मुझे प्रिविलेज मोड से ग्लोबल कॉन्फिगरेशन मोड में जाना है तो मुझे कमांड चलाना पड़ेगा कॉन्फिगर टर्मिनल, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, CON के बाद टैब दबा रहा हूँ, ठीक है। टैब दबाने के बाद ऑटोमेटिक कमांड लेता है लाइक TER टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ग्लोबल कॉन्फिगरेशन मोड में लेके चला गया, राउटर ब्रैकेट में कॉन्फिग हैश, ये मेरा ग्लोबल कॉन्फिगरेशन मोड है। तो सबसे पहले अभी मुझे इंटरफेस को आईपी एड्रेस कॉन्फिगर करना है, तो इंटरफेस को आईपी एड्रेस कॉन्फिगर करना बहुत सिंपल सा है, ठीक है। सबसे पहले इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 जो कि मेरा पोर्ट नंबर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पोर्ट यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो सबसे पहले मैं ये वाला पोर्ट कॉन्फिगर करता हूँ, इसको आईपी एड्रेस देता हूँ 192.168.1.1, ठीक है। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0, बिकॉज मैं क्लास सी का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं /24/24 यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला 255.255.255.0। हमेशा एक बात याद रखना, इसके बाद नो शटडाउन कभी भूलना मत। अगर नो शटडाउन नहीं करेंगे तो ये पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑफ नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने जो आईपी एड्रेस दिया है, मुझे ये चेक करना है तो मैं दो तरीके से चेक कर सकता हूँ। सबसे पहला कमांड रहेगा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये मेरा फर्स्ट कमांड रहेगा, ठीक है। या तो फिर मैं शो रनिंग कॉन्फिगरेशन, जैसे कि मैंने बताया शो रनिंग कॉन्फिगरेशन में पूरा का पूरा कमांड आ जाता है जितने भी हम लोगों ने कॉन्फिगर किया। यहाँ पे देख सकते हैं शो रनिंग कॉन्फिगरेशन में दिख रहा है हम लोगों ने कौन सा आईपी एड्रेस कॉन्फिगर किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चेक करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि इंटरफेस को क्या आईपी एड्रेस असाइन किया। सेम एज मैं कॉन्फिगर कर रहा हूँ गीगाबाइट 0/1 जो कि मेरा नीचे वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, ठीक है। कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबाइट 0/1, इसको आईपी एड्रेस असाइन करना है 10.0.0.1 और यहाँ पे मैंने यूज कर रहा हूं मैं /8 वैल्यू मतलब 255.0.0.0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जस्ट कंसिडर करूं, मैं भूल गया यहाँ पे नो शटडाउन कमांड देना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं शटडाउन कमांड देना भूल गया तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन रहेगा। तो हमेशा
अगर बेसिक ट्रबल शूटिंग करना है तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है हमारा लोकल इंटरफेस ऑफ है कि नहीं, तो इस सिचुएशन में ये ट्रबल शूटिंग काम में आएगी। यहाँ पे मैं इसको अप कर देता हूँ, कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबाइट 0/1, आई पी एड्रेस ऑलरेडी असाइन है तो कमांड मुझे फिर से डालने की जरूरत नहीं है कमांड, ठीक है। सिंपली मैं नो शट डाउन करूंगा, यहां से मुझे बाहर निकलना है तो मैं एग्जिट कमांड का यूज करूंगा या तो फिर कंट्रोल जेड यूज करूंगा। कंट्रोल जेड मतलब कंप्लीटली बाहर निकलना, ठीक है। अभी मैं फिर से एक बार चेक करता हूँ, इसके पहले में मेरा एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन आ रहा था तो अभी मैं फिर से सेम कमांड चलाता हूँ, ओके एडमिनिस्ट्रेटिवली अप आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कॉन्फिगर कर रहा हूँ आर टू राउटर के ऊपर एंड आर थ्री राउटर के ऊपर। तो सबसे पहले आर टू को कॉन्फिगर कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहां से कुछ ज्यादा मैं थोड़ा सा फास्ट कॉन्फिगर करूंगा क्योंकि ऑलरेडी पता तो चल ही गया कि हम लोगों को क्या क्या चेक करना है। इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.2 नो शटडाउन कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तीन इंटरफेसेस है, यहाँ पे तीन इंटरफेसेस है मतलब मुझे तीन आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले गीगाबाइट 0/0/0, गीगाबाइट 0/1, गीगाबाइट 0/2। नो शटडाउन इम्पोर्टेंट कमांड। अभी मुझे चेक करना है कि मैंने आईपी एड्रेस दिया है वो प्रॉपर है क्या, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। ये मैं INT यूज कर रहा हूँ, शो यूज कर रहा हूँ, ये मेरे शॉर्ट फॉर्म है। अगर तुम यहाँ पे पूरा भी लिख सकते तभी भी आएगा, ठीक है। सेम ये मैंने तीन इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दिया है, यहाँ पे आप इंटरफेस का नेम दे सकते हो, देख सकते हो, उसके बाद आईपी एड्रेस क्या असाइन किया वो भी देख सकते हो और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिवली स्टेटस भी देख सकते हो, ओके। यहाँ तक तो हमारा हो गया R2 कॉन्फिगर, ठीक है। अभी मुझे कॉन्फिगर करना है R3। यहाँ पे और एक चीज तुम्हें देखने को मिलेंगी, जैसे कि मैंने R2 का एक ही इंटरफेस कॉन्फिगर किया, मतलब ये वाला इंटरफेस कॉन्फिगर किया, तो ये मेरा ग्रीन कलर में ब्लिंक होना चाहिए, बट जब तक पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस अप नहीं होता तब तक ये ग्रीन में ब्लिंक नहीं होगा, ये रूल होता है नेटवर्क का, ठीक है। तो इसको कंसिडर करना है, इसको समझना, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मैंने इसको कॉन्फिगर किया तो ये लोकली ग्रीन होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हमेशा पॉइंट टू पॉइंट आईपी एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, जब तक डेटा ट्रैफिक सेंड ही नहीं होगा, कॉन्फिगरेशन ही प्रॉपर नहीं रहेगा तो वो पोर्ट भी अप नहीं होगा, ग्रीन कलर में ब्लिंक नहीं होगा। जैसे मैं R3 के ऊपर 0/0 के ऊपर कॉन्फिगर करूंगा तभी देखना तो ये पोर्ट फट से अप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखता हूँ तो थोड़ा देखने में भी आसानी हो जाएगा, ठीक है। मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, नो सॉरी enable configure terminal interface gigabyte 0/0 IP address 2.2 use कर रहा हूँ यहाँ पे 255.255.255.0 no shutdown, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे no shutdown किया, देखो port up आ गया दोनों के साइड में because point to point protocol चल पड़ा। उसके बाद मेरा नीचे के साइड में है gigabyte 0/1 interface gigabyte 0/1 आईपी एड्रेस। देखो अभी मैं इंटरफेस से बाहर नहीं निकला, एग्जिट नहीं किया, यहाँ पे ही कमांड लाइन देके भी मैं कॉन्फिगर कर सकता हूँ। ठीक है, आईपी एड्रेस चेक करने के लिए कमांड जो इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस दिए, शो आईपी इंटरफेस ड्रिप, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया, ओके। यहाँ तक तो मेरा समझ में आ गया। हेलो हेलो, यस सर, यस सर, यार हाय, यस यस सर, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। यस, व्हिच टॉपिक इज गोइंग ऑन? ओके, यस सर, जो आज का टॉपिक है मैं जिसके अंदर बताने वाला हूँ कि स्टैटिक राउटिंग क्या है और डायनामिक राउटिंग क्या है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड सेशन में डाल चुका हूँ, अप्रोक्सीमेटली लाइक 15-20 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। ओके, तो अभी तो जस्ट मैंने बेसिक आईपी एड्रेसिंग समझाया है, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे कार्तिक है, वो भी मेरे साथ ज्वाइन हुआ है, ठीक है। तो बेसिक आईपी एड्रेसिंग बताया, उसको भी उसका भी ऑलमोस्ट बैकग्राउंड इसी के ऊपर ही है तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन मैं ओवरऑल वीडियो में पूरा कवर कर रहा हूँ, ठीक है।
okay. तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, अभी बेसिक आईपी एड्रेसिंग ही हुआ है. तो स्टैटिक राउटिंग के पॉइंट्स हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? तो okay. वो डिटेल में आपको अभी समझ में आ ही जाएगा. ओके ठीक है. आई सॉ योर वीडियो ऑलरेडी, द स्टैटिक राउटिंग वीडियो व्हिच यू शेयर्ड डे बिफोर यस्टरडे आई थिंक. यस 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 यस. ओके ओके, सेम प्रैक्टिकल वी आर डूइंग टुडे. ओके ओके. सो अभी तक तो मैंने जो कॉन्फिगर किया है वो तीनों राउटर को कॉन्फिगर किया है, ठीक है? स्विचेस के ऊपर मुझे कॉन्फिगर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने कोर L2 स्विचेस यूज कर रहा हूँ जिसके ऊपर मुझे कुछ भी कॉन्फिगर नहीं करना है. उसके बाद में मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने यूजर पीसी लिया है, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, हम लोग नेटवर्क में काम करते हैं, ठीक है? और नेटवर्क में ऐसा नहीं होता, नेटवर्क में जितने भी लोग काम करते सबको पता होता है कि हर एक यूजर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है. तभी मैंने टोपोलॉजी में यूजर पीसी लिए, ये ऑटोमेटिकली कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है? तो यूजर पीसी को भी कॉन्फिगर करने का एक वे होता है, किस तरीके से कॉन्फिगर होता है, उसमें क्या गेटवे असाइन करना पड़ता है, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो मैं तुम्हें दोनों साइज दोनों तरीके से बता दूंगा किस तरीके से कॉन्फिगर करना है. सबसे पहले मैं ये जो हमारा पैकेट प्रेसर है उसके अंदर बताता हूँ किस तरीके से होता है, और उसके बाद जो मेरा यूजर पीसी है उसके ऊपर, जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर बताऊंगा, ठीक है? जैसे मैंने पीसी के ऊपर डबल क्लिक किया तो मेरे पास ये विंडो ओपन हुआ. इस विंडो में मैं देखूंगा कि मेरे पास थर्ड ऑप्शन है डेस्कटॉप, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ. डेस्कटॉप में यहाँ पे मेरा फर्स्ट ऑप्शन आता है आईपी कॉन्फिगरेशन, ठीक है? जैसे मैं आईपी कॉन्फिगरेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे स्टैटिक करके ऑप्शन आता है, स्टैटिक जो कि मैं मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ. डीएससीपी इज अ कंसेप्ट जो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है एक पूल के थ्रू जो कि राउटर के ऊपर क्रिएट किया जाता है. सो डीएससीपी का भी कंसेप्ट आएगा इन फ्यूचर, तो हम लोग उसके अंदर डीएससीपी डिटेल में देखेंगे. तो अभी तो मैं कॉन्फिगर कर रहा हूँ मैन्युअली. सो मैन्युअली यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फिगर करूंगा. तो मैन्युअली किस तरीके से करूंगा, यहाँ पे सबसे पहला आता है आईपी एड्रेस. सो आईपी एड्रेस मुझे कौन सा असाइन करना है, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ. मैंने यहाँ पे जो आईपी एड्रेस असाइन किया है 10 का नेटवर्क का 10.0.0.1, ठीक है? तो मुझे 10 के ही नेटवर्क का कोई भी यहाँ पे एक आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ वो यहाँ पे कर रहा हूँ .2 और यहाँ पे करूंगा .3, ठीक है? तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ फर्स्ट स्विच के ऊपर, फर्स्ट यूजर पीसी के ऊपर 10.0.0.2. ओके, सबनेट मास्क क्लास ए का. जैसे मैंने टैब दबाया ऑटोमेटिकली उसने अंडरस्टैंड कर लिया कि मेरा क्लास ए का नेटवर्क है ये, तो ऑटोमेटिकली क्लास ए का सबनेट मास्क ले लिया, तो यहाँ पे मेरा काम थोड़ा आसान हो गया. उसके बाद गेटवे. हमेशा लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि गेटवे एग्जैक्टली क्या होता है. गेटवे मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना चाहूँ तो गेटवे इज अ बाहर जाने का रास्ता. अगर मैं इन दोनों यूजर पीसी को देखता हूँ तो इनको बाहर जाने के लिए इनको स्विच के थ्रू राउटर के ये वाले इंटरफेस के ऊपर जाना पड़ेगा, करेक्ट? सो ये जो मेरा इंटरफेस रहेगा ये मेरा रहेगा गेटवे इंटरफेस, ठीक है? अगर मैं इन दोनों लैपटॉप के बारे में बात करूंगा तो इसका गेटवे इंटरफेस रहेगा ये, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे वन यूजर पीसी और वन लैपटॉप पीसी की बात करूंगा तो इसका गेटवे ये रहेगा, ठीक है? तो इस जो इंटरफेस का आईपी एड्रेस रहेगा वो मेरा गेटवे आईपी एड्रेस रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यूजर पीसी वन के ऊपर, वहां पे मैं गेटवे असाइन कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ 10.0.0.1, ठीक है? ये करने के बाद मुझे क्लोज नहीं करना है. ये करने के बाद मुझे क्या करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है कि मेरा सच में पिंग होता है कि नहीं होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर क्रॉस का बटन है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है? टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, कमांड प्रॉम्प्ट से सेम एज यूजर पीसी की तरह मैं पिंग करके देखूंगा गेटवे को 10.0.0.1. अगर मुझे यहाँ से पिंग आता है तो इसका मतलब आपका कॉन्फिगरेशन बराबर है, ठीक है? और हमेशा गेटवे असाइन करना ही चाहिए. सेम एज मैं सेकंड यूजर पीसी को कॉन्फिगर करता हूँ, सेम वही प्रोसीजर यूज करूंगा 10.0.0.2. देखो 10.0.0.2 जो कि मैंने इस वाले यूजर पीसी को दे चुका हूँ, करेक्ट? तो वो क्या बोलता है कि दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क. अगर तुम्हारा कोई आईपी एड्रेस यूज हो चुका है तो नहीं लेता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं रियल प्रोडक्शन की बात करूंगा, इस यूजर पीसी को नहीं पता लगेगा इस यूजर पीसी पे आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है? अगर दोनों जगह में सेम दूंगा तो वो ले लेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे हमारा जो कनेक्टिविटी है वो स्विच के थ्रू जा रहा है, ठीक है? तो
क्या होता है, स्विच इज एल टू डिवाइस ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है। तो अभी इस एल टू डिवाइस ने नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट किया 10 का नेटवर्क, ठीक है। तो 10 के नेटवर्क में ऑलरेडी एक आईपी एड्रेस दिख रहा है उसको, और एक आईपी एड्रेस 10.0.0.2 दिख रहा है। तो ये बोलता है कि ये दो आईपी एड्रेस ऑलरेडी है, जब तुम इस यूजर पीसी के ऊपर 10.0.0.2 देगे तो इस तरीके का एक मैसेज आएगा, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन द नेटवर्क, तो मुझे अभी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अनदर आईपी एड्रेस, ठीक है, गेटवे 01। ओके, सेम एज मैं यहां से भी पिंग करके एक बार देख लूंगा, ये मैं क्लोज कर देता हूँ, पिंग 10.0.0.1, ठीक है, यहां से भी पिंग हो रहा है। जितने मेरे बाकी के यूजर पीसी है सबको कॉन्फिगर कर देता हूँ, 20.0.0.2, 20.0.0.1। अभी मैं पिंग करके नहीं देखता हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि पिंग किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से मैं, ओह यहाँ पे गलत डाल दिया, 20.0.0.3, 20.0.0.1, यहाँ पे .0.0.2, 30.0.0.1, लास्ट वाली यूजर पीसी पे मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 30.0.0.3, 30.0.0.1। ओके, अभी यहाँ पे मैंने बेसिक आईपी एड्रेस तो कॉन्फिगर कर चुका हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चेक करता हूँ मेरे R1 के ऊपर कौन कौन से राउट्स आ रहे हैं, कौन कौन से नेटवर्क्स आ रहे हैं, ठीक है। जब भी मुझे कुछ राउटिंग टेबल चेक करना है तो सबसे पहले मुझे यूज करना पड़ेगा शो आईपी राउट कमांड। शो आईपी राउट क्या करता है, शो आईपी राउट ये कमांड तुम्हारे जो नेटवर्क में जितने भी राउट्स है वो सभी राउट्स का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टेबल को नेटवर्क लाइन में राउटिंग टेबल बोलते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल आज मैं बताने वाला किस तरीके से कॉन्फिगर करना है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, ये जो CL तो ये हमारे कोड होते हैं, ठीक है। तो ये जो कोड्स होते हैं वो हर कोड क्या क्या डिफाइन करता है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलता है। सी स्टैंड फॉर द कनेक्टेड, ठीक है, एल स्टैंड फॉर द लोकल, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 10 का नेटवर्क 10.0.0.8, अगर मैं टोपोलॉजी में भी देखता हूँ ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है तो उसको वो मुझे यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, और लोकली जो मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया है तो वो भी यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। सेम एज क्लास सी का भी नेटवर्क यहाँ पे हम क्लास सी का नेटवर्क जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया 192.168.1.0 वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं लोकल देख रहा हूँ तो लोकल भी आईपी एड्रेस मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। So, अगर मैं सेम कमांड हर एक राउटर के ऊपर जाके चेक करूंगा तो मुझे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा, ठीक है। 20 का नेटवर्क है, 190.168.1.0 का नेटवर्क है और 2.0 का नेटवर्क है, ठीक है। उसके बाद राउटर 3 के ऊपर अगर मैं जाके चेक करता हूँ शो आईपी राउट, तो इसके ऊपर भी मुझे सभी कमांड्स मिल रही है, ठीक है, सभी राउट्स मिल रहे हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ R1 के ऊपर तो मुझे यहाँ पे पता चलता है कि मेरे टोपोलॉजी में और भी राउट्स है, और भी राउट्स है, मतलब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे टोपोलॉजी में और भी राउट्स है। इन द सेंस यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ R1 के ऊपर 10 का राउट्स आ रहा है, करेक्ट। 190.168.1.0 का भी नेटवर्क आ रहा है, मतलब ये वाला एक नेटवर्क आ रहा है और ये वाला भी एक नेटवर्क आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, मुझे एक चेक करने का पता चलता है कि 20 का नेटवर्क R1 के पास नहीं है, ना कि 192.168.1.2.0 ये भी नेटवर्क नहीं है, करेक्ट। सेम एज अगर मैं थोड़ा सा R3 राउटर की तरफ जाता हूँ तो R3 राउटर के पास भी एक नेटवर्क है 30.0.0.0, ये सभी नेटवर्क R1 के पास नहीं है। मतलब R1 अगर किसी राउटर को रीच कर सकता है तो वो यही इंटरफेस तक ही रीच कर सकता है, तो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। सो इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस है
192.168.1.2 मतलब R1 यहाँ तक पिंग कर सकता है, मतलब रीच कर सकता है. सो हम लोग उसके बाद में इस आईपी एड्रेस तक भी रीच करके देखेंगे, इस आईपी एड्रेस तक रीच करके देखेंगे, और जो नीचे में 20 एंड 30 का नेटवर्क दिख रहा है वहां तक रीच करके देखेंगे पॉसिबल है क्या, होता है कि नहीं रीचिंग. ठीक है, रीच करना मतलब हम लोग देख रहे कि किस तरीके से नेटवर्क कनेक्टिविटी है. तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट पिंग करके देखूंगा 192.168.1.1 जो कि खुद का लोकल आईपी एड्रेस है, उसको पिंग करके देखता हूँ. खुद का लोकल आईपी एड्रेस से होगा ही पिंग, उसका अपोजिट वाला इंटरफेस. ठीक है, इसको भी पिंग होना चाहिए. ठीक है, मैंने जैसे कि कल बताया था कि समटाइम्स कभी कभी फर्स्ट वाला पैकेट ड्रॉप हो जाता है, तो ये आप एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आप जनरेट करता है. ठीक है, तो अभी मैं सेकंड टाइम फिर से पिंग करूंगा तो सभी पैकेट जाएंगे. राउटर से हमेशा 5 पैकेट जाते, तो यहाँ पे देख सकते 1, 2, 3, 4, 5. ओके, अभी मैं पिंग करता हूँ 2.1. 2.1 मतलब R2 एंड R3 का इंटरफेस. ठीक है, देखो जब मैं 2.1 को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये राउटर पिंग नहीं होता है, सभी के सभी पैकेट्स को ड्रॉप कर रहा है. ठीक है, मतलब राउटर क्या बोलता है कि मैं ओनली यही तक ही जा सकता हूँ. ठीक है, अगर कोई मुझे बोलता है कि आपको इसको रीच करना है या इसको रीच करना है, तो या इसको रीच करना है, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ. इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे राउटिंग टेबल में वो एंट्रीज नहीं है. ठीक है, राउटर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, राउटर बोलता है कि अगर मेरे राउटिंग टेबल में उस पर्टिकुलर नेटवर्क की एंट्री रहेगी तभी मैं उसको रीच कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं उसको रीच नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, ये रूल है. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जब शो आईपी राउट करके कमांड चलाता हूँ तो यहाँ पे राउटिंग टेबल देख के मुझे पता चल जाता है कि इसके बाद 10 और 190.168.1.0 मतलब 10 और 19 ये वाला जो नेटवर्क है, दो ही नेटवर्क शो कर रहे हैं. ठीक है, बाकी के नेटवर्क नहीं है तो मैं इसको रिचेबिलिट कर ही नहीं सकता. सेम एज R2 के ऊपर भी मैं जाके चेक कर सकता हूँ शो आईपी राउट. तो शो आईपी राउट में जो मेरे नेटवर्क दिख रहे हैं, अगर मुझे ओनली कनेक्टेड वाले नेटवर्क चेक करना है तो मैं इस तरीके से भी चेक कर सकता हूँ, शो आईपी राउट कनेक्टेड. ठीक है, तो मेरे पास 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स है. ठीक है, बाकी 10 का नेटवर्क और 30 का नेटवर्क यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं उसको चाहकर भी पिंग नहीं कर सकता. देखो नहीं होगा बिकॉज उसके राउटिंग टेबल में ही नहीं है. तो सबसे पहले गोल्डन रूल समझ लो कि जब तक हमारे राउटिंग टेबल में किसी राउट्स की एंट्री नहीं होगी तब तक मैं उसको रीच नहीं कर सकता. ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल की. हमेशा जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जो हम लोग कंडीशन देख रहे हैं, कंडीशन में ये देख रहे हैं कि ये जो मेरा इंटरफेस है यहाँ तक तो मैं पॉइंट टू पॉइंट पिंग कर रहा था, लेकिन मेरा 20 का नेटवर्क, 192.168.2.0 का नेटवर्क एंड 30 का नेटवर्क R1 से रीच नहीं हो रहा है. सो राउटिंग, राउटिंग मीन्स क्या होता है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ने का काम. ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ रीचेबिलिटी कर सके, एक दूसरे को पिंग कर सके. ठीक है, तो ये होता है हमारा राउटिंग का काम. तो सबसे पहला राउटिंग प्रोटोकॉल है हमारा स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल. स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल काफी आसान प्रोटोकॉल है, तो उसका कॉन्फिगरेशन मैं अभी स्टार्ट करता हूँ. स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल किस तरीके से कॉन्फिगर करते हम लोग देखते. सबसे पहले R1 यहाँ पे मैं चेक करूंगा शो आईपी राउट. यहाँ पे अभी तक कुछ भी मैंने स्टैटिक राउटिंग नहीं चलाया है. ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे मैं कोर्स में कोई भी स्टैटिक राउटिंग का कोर्स नहीं दिखा रहा, कोड नहीं देख पा रहा. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोड में देखता हूँ तो जो मेरा स्टैटिक राउटिंग चलाने के बाद जो राउट जनरेट होगा वो S से शो होगा. S स्टैंड फॉर द स्टैटिक. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देख के पता चलता है मुझे कि मैंने अभी तक कोई भी स्टैटिक राउट नहीं चलाया. ठीक है, यहाँ तक तो मेरा हो गया. अभी कॉन्फिगरेशन स्टार्ट करता हूँ स्टैटिक राउटिंग का. स्टैटिक राउटिंग का कॉन्फिगरेशन करने से पहले मैं उसका एक फॉर्मूला बताता हूँ. फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा तो आप स्टैटिक कॉन्फिगरेशन इजीली, स्टैटिक राउटिंग इजीली चला सकते हो. सबसे पहले आईपी राउट, आईपी राउट. ओके, आईपी राउट के बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ तो आपको वो बोलेगा कि आपको डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी डालना है. ठीक है, आईपी नहीं, आईडी.
जो आर वन के राउटिंग टेबल में जो राउट्स नहीं आ रहे थे, ठीक है, उसको ही हमें कॉन्फिगर करना है। अभी मेरे पास ये नेटवर्क ऑलरेडी है, 10 का नेटवर्क एंड 192 का नेटवर्क, तो मैं उस नेटवर्क को कॉन्फिगर नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ जो राउट्स मेरे पास नहीं आ रहे थे, तो मैं इसको कॉन्फिगर करूंगा। सबसे पहले मैं कॉन्फिगर करता हूँ ये पर्टिकुलर नेटवर्क को 192.168.2.0, ठीक है। सो डेस्टिनेशन नेटवर्क इज 192.168.2.0, ओके। इसके बाद जब मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ तो क्या बोलता है, डेस्टिनेशन प्रीफिक्स मास्क। जब भी मैं ये डाल रहा हूँ तो मुझे उसका डालना पड़ेगा प्रीफिक्स, मतलब सबनेट मास्क जो भी कुछ रहेगा। जहां पे मैंने क्लासिक का नेटवर्क यूज किया है तो मुझे क्लासिक का ही सबनेट मास्क डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन मार्क डालूंगा, क्वेश्चन मार्क डालूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मुझे फॉरवर्डिंग राउटर्स एड्रेस, फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस किसी बुक्स में उन्होंने बोला है नेक्स्ट हॉप भी, और किसी बुक्स में उन्होंने बोला है गेटवे, तो तीनों के तीनों सेम ही है। अभी मैं चेक करता हूं अगर मुझे R1 से 192.168.2.0 इस नेटवर्क में जाना है, तो वो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से आगे आगे बढ़ते जाएगा। उसको पता चलेगा कि गीगाबाइट 0/0/0 जो कि R2 का इंटरफेस है, ये मेरा गेटवे इंटरफेस हो गया। तो उसका जो भी आईपी एड्रेस है, लाइक या इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.2, तो ये आईपी एड्रेस मेरा बन जाएगा गेटवे। तो मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ 192.168.1.2, ठीक है। जैसे मैंने कमांड दिया, जैसे कि अभी मुझे किसी ने बोला कि आपको क्रॉस वेरीफाई करके चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करके चेक करना काफी आसान है। सिंपल सा मैं कमांड यूज करूंगा शो आईपी राउट। जैसे कि मैंने बताया स्टैटिक राउटिंग हमेशा एस से शो, एस से हमें दिखता है, तो यहाँ पे एस से मुझे दिख रहा है कि एक राउट क्रिएट किया है मैंने स्टैटिकली, ठीक है। मतलब अभी R1 के पास पहले इतने ही राउट्स आ रहे थे, अभी उसके राउट्स में एक नया वाला राउट ऐड हो गया जो कि हम लोगों ने मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। अगर मैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर सकता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो कमांड भी दिख जाएगी। देखो इसी तरीके से मुझे कॉन्फ़िगर करना है ये 20 का नेटवर्क, क्योंकि R1 के पास ये भी नेटवर्क नहीं है, R1 के पास 30 का भी नेटवर्क नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी 20 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। कमांड सेम आएगी, कॉन्फिगर टर्मिनल आईपी राउट 20.0.0.0 क्लास ए का नेटवर्क है, तो सबनेट मास्क भी क्लास ए का आएगा और गेटवे आएगा 192.168.1.2, क्योंकि वही एक रास्ता है जो बाहर जाने के लिए, ठीक है। सेम एज मैं 30 के नेटवर्क के लिए करता हूँ, ऊपर का कमांड डाल दिया मैंने, मतलब एक ऊपर का एरो डालूंगा जो प्रीवियस वाला कमांड है वो आ जाएगा। सेम है यहाँ पे 30.0.0.0 इसका सबनेट मास्क और गेटवे सेम ही आएगा 192.168.1.2, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ शो आईपी राउट। सबसे पहले मैं शो आईपी राउट कनेक्टेड दिखा देता हूँ, कनेक्टेड ऑलरेडी मेरे पास दो राउट्स थे, अभी मैं स्टैटिकली दिखा देता हूँ शो आईपी राउट स्टैटिक। स्टैटिक में मेरे पास आ रहा है 20 का नेटवर्क, 30 का नेटवर्क एंड 192.168.2.0 का नेटवर्क। इसका मतलब मेरे पास जो टोपोलॉजी में जितने भी राउट्स है सभी के सभी राउट्स R1 के राउटिंग टेबल में आ गए, मतलब अभी R1 रेडी हो गया रीचेबिलिटी के लिए। सेम एज मुझे कॉन्फिगर करना पड़ेगा R2 के ऊपर। सबसे पहले R2 के ऊपर मैं जाके चेक करूंगा, ठीक है। R2 क्या बोलता है कि यहाँ पे भी इसके बाद डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, शो आईपी राउट कनेक्टेड, इसके पास भी तीन डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन इसके बाद 10 का नेटवर्क नहीं आ रहा है और 30 का नेटवर्क, तो मैं उसको कॉन्फिगर करूंगा। तो सेम एज वहां पे भी मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, आईपी राउट इसका सबनेट मास्क। यहाँ पे एक ध्यान देना, यहाँ पे देखो अगर मैं R2 से ये वाले पर्टिकुलर नेटवर्क में जाना चाहता हूँ, करेक्ट, तो मेरे लिए जो रास्ता रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, करेक्ट। यही जो आईपी एड्रेस रहेगा इस इंटरफेस का वो मेरा गेटवे रहेगा, ठीक है। तो मुझे उस जब मैं 10 के नेटवर्क में जा रहा हूँ तो मुझे जो आईपी एड्रेस असाइन करना है वो है गीगाबाइट 0/0 जो कि R1 का है, ठीक है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस रहेगा 192.168.2.1.1, ओके। अभी सेम एज मुझे 30 के नेटवर्क के लिए जाना है, ठीक है, ये 30 का नेटवर्क,
30 के नेटवर्क के लिए मुझे जाने के लिए R2 को इस तरीके से जाना पड़ेगा, तो उसको पड़ता है R3 का गीगाबाइट 0/0 ये इंटरफेस। तो इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 192.168.2.2, तो मुझे वो आईपी एड्रेस यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कॉन्फिगर करता हूँ R2 के ऊपर आईपी राउट 30.0.0.0.25.0.0.0 सबनेट मास्क 192.168.2.2 करेक्ट, यही आईपी एड्रेस है। अभी मैं यहाँ पे शो आईपी राउट करके कमांड चेक कर लेता हूँ। जैसे मैं शो आईपी राउट करके देखता हूँ थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, तो मैं यहाँ पे अलग अलग चलाता हूँ। कनेक्टेड में 3 राउट्स थे, अभी मैं स्टैटिक करके चेक कर लेता हूँ। स्टैटिक में मेरे पास 2 राउट्स आ गए, 10 का नेटवर्क और 30 का नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे मतलब मेरे पास दोनों राउट्स आ गए। R1 के पास 5 राउट्स आ गए, मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क आ गया। सेम एज R2 के पास भी पूरा का पूरा नेटवर्क आ गया। अभी मैं R3 के ऊपर जाके चेक करता हूँ उसके पास कौन से राउट्स हैं और मुझे कौन से राउट स्टैटिकली कॉन्फिगर करना चाहिए। शो आईपी राउट, तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ एक 30 का नेट शो आईपी राउट कनेक्टेड 30 और 192.168.2.0 नेटवर्क है, 1.0 का नेटवर्क नहीं, 10 का नेटवर्क नहीं और 20 का नेटवर्क नहीं, तो मैं वो कॉन्फिगर कर देता हूँ। आईपी राउट 10.0.0.0 आईपी राउट 10.0.0.0 255.0.0.0 सबनेट मास्क और गेटवे हमेशा आएगा। यहाँ पे गेटवे आएगा मेरा R3 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरा गेटवे आएगा ये इंटरफेस 192.168.2.1 192.168.2.1 सेम एस मुझे कॉन्फिगर करना है 20 के नेटवर्क के लिए और गेटवे आएगा 192.168.2.1। ओके, सेम एस मुझे कॉन्फिगर करना है 192.168.1.0 नेटवर्क के लिए। यहाँ पे याद रखना ये मेरा क्लास सी का नेटवर्क है, क्लास सी का सबनेट मास्क, गेटवे तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ शो आईपी राउट कनेक्टेड जिसके बाद 2 राउट्स थे और जब मैं शो आईपी राउट स्टैटिक चलाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 राउट्स आ गए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं R1 के ऊपर गया, R1 के पास सभी के सभी राउट्स आ रहे हैं अभी, मतलब जितने भी मेरे पास टोपोलॉजी में राउट्स थे सबके सब नेटवर्क आ रहे हैं R1 के राउटिंग टेबल में। ठीक है, तो इसके पहले ने मैं एक आईपी एड्रेस पिंग किया था जो कि पिंग नहीं हो रहा था। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे हूँ, ठीक है, शायद ऊपर का कॉन्फ्यूजन नहीं दिख रहा है। ओके फाइन, तो वो आईपी एड्रेस पिंग नहीं हो रहा था। ठीक है, मतलब मैं R1 से ये 20 का नेटवर्क पिंग नहीं कर पा रहा था, 192.168.2.0 का नेटवर्क पिंग नहीं कर पा रहा था एंड 30 का नेटवर्क पिंग नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैं R1 से पिंग करके देखता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले खुद के इंटरफेस को आईपी एड्रेस पिंग करके देखता हूँ 1.1, इसको तो पिंग हो रहा है। नेक्स्ट वाला इंटरफेस 1.2, इसको भी पिंग हो रहा है। अभी मैं करूंगा R2 का गीगाबाइट 0/2 इंटरफेस जिसका आईपी एड्रेस है 20.0.0.1 इसको भी पिंग हो रहा है और उसके नीचे में 2 यूजर्स है 20.0.0.2 इसको भी पिंग होगा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको भी पिंग होगा, अगर मैं सेकंड टाइम करूंगा तो ड्रॉप नहीं होगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ 2.1 को पिंग करके देखता हूँ 192.168.2.1 जो कि R3 को कनेक्टेड है, इसको भी पिंग हो रहा है। ठीक है, 2.2 जो R3 का इंटरफेस है उसको भी पिंग होना चाहिए, उसको भी हो रहा है। उसके बाद मैं नीचे में जा रहा हूँ 30.0.0.1 को पिंग करते हुए, उसको भी पिंग हो रहा है। 30.0.0.2 इसको भी पिंग होगा एंड 30.0.0.3 इसको भी पिंग हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया, सभी नेटवर्क को जोड़ने का काम स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू हो गया। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत है, इसमें कुछ पूछना है? हेलो हेलो, नो एवरीथिंग इज क्लियर, इट्स फाइन, या इट्स क्लियर। ओके 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 फाइन, सो दिस इज द बेसिक प्रैक्टिकल ऑफ द स्टैटिक राउटिंग। ओके, तो स्टैटिक राउटिंग इसी तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, हमेशा मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया जाता है।
स्टैटिक राउटिंग में हमेशा कॉन्फ़िगर करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लास्ट वाला ऑक्टेट हमेशा जीरो है क्योंकि मैं नेटवर्क आईडी यूज कर रहा हूँ, ना कि आईपी। आईपी मीन्स आईपी एड्रेस, मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ, ये आईडी का यूज कर रहा हूँ। सेकंड थिंग, अगर ये तुम्हारा क्लास ए का नेटवर्क है तो तुम क्लास ए का सबनेट मास्क यूज करो, क्लास सी का नेटवर्क है तो क्लास सी का सबनेट मास्क यूज करो। और गेटवे मतलब बाहर जाने का रास्ता, जो कि हम लोगों को डिफाइन करना है कहां से बाहर जाता है, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर मैं शो आईपी राउट करके कमांड चलाता हूं तो यहां पे मुझे एडी वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, शो आईपी राउट स्टैटिक। जब भी मैं यहां पे देख सकता हूं दिस इज माय एडी वैल्यू, जिसका एडी वैल्यू सबसे लोएस्ट वो सबसे ट्रस्टवर्थी प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी हम लोग आगे में बहुत सारे प्रोटोकॉल देखेंगे, हर राउटिंग प्रोटोकॉल का डिफरेंट डिफरेंट एडी वैल्यू है। तो अगर मैं स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करता हूं तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का एडी वैल्यू होता है 1, ठीक है। और बस इतना ही, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस हमें इन तीन कमांड लाइन के, ये जो कमांड लाइन दिया है ये फार्मूला है, इसके ऊपर फोकस करना है, बस इतना ही स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से कॉन्फिगर किया जाता है, ठीक है। अभी भी मार्केट और प्रोडक्शन लेवल में स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल काफी हद तक यूज होता है, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे कि मैंने बताया, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल इज कॉन्फिगर्ड मैन्युअली बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि हर राउटर के ऊपर मुझे सभी राउट्स कॉन्फिगर करना पड़ा। अभी आप इमेजिन करो कि अगर 100 राउटर्स रहेंगे तो लाइक हालत खराब हो जाएंगी, हर राउटर के ऊपर सभी राउट्स मैन्युअली कॉन्फिगर करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि तीन राउटर को कॉन्फिगर करते करते लाइक एक राउटर ने तीन तीन मिनट ले लिया, तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, ठीक है। सेकंड थिंग, हमेशा डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी पता होना चाहिए, ठीक है। डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी क्लास ए बी सी का होगा तो उसका भी हम लोगों को सबनेट मास्क प्रॉपर असाइन करना है। थर्ड थिंग, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल हम लोग चला सकते हैं लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर कोई मुझे बोलता है कि मेरे पास 20 राउटर है, 25 राउटर है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं उसके अंदर नहीं चला सकता स्टैटिक राउटिंग। ऐसा नहीं चला नहीं सकता, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ट्रबल शूटिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर काफी ज्यादा लोड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल बिग नेटवर्क में हम लोग अवॉइड करते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ द स्टैटिक राउटिंग इज 1, जो कि मैंने दिखाया शो आईपी राउट करके, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा एडी वैल्यू है, एडी वैल्यू इज अ ट्रस्टवर्दी वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल खत्म करते हैं, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, ओके। तो अभी मैं बात करता हूँ डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल की, ठीक है। इतना करना है, आगे कैरी ऑन फॉरवर्ड करना है। हेलो, yes, I'm fine. You can continue. Yasir Fasad? Yeah, you can continue. Okay, fine. Okay. अगर मैं इसके बाद में बात करता हूँ तो डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, सो डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में एग्जैक्टली क्या क्या पता है। अगर जिसको स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल पता है तो उसके लिए डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल काफी आसान हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ यासिर फसाद, डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल एग्जैक्टली क्या होता है और मतलब किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, और स्टैटिक राउटिंग से वो खुद को डिफरेंट कैसे क्या कंसिडर करता है। हेलो, एक्चुअली आई डोंट नो मच अबाउट द डिफॉल्ट, आई हैव डन ओनली स्टैटिक। ओके ओके ओके, ठीक है। तुम्हें पता है फसाद? यस यस, आई ऑलरेडी हैड अ क्लास नो ऑन दैट रिगार्डिंग बेसिकली इन डिफॉल्ट राउटिंग वी रिमाइंड अबाउट द डेस्टिनेशन एड्रेस, करेक्ट, ठीक है। सी अभी जस्ट कंसीडर करो, मैं सेम टोपोलॉजी यूज करता, एक मिनट दो मुझे।
ओके डिफॉल्ट राउटिंग ठीक है, मैं डिफॉल्ट राउटिंग के बारे में बताऊंगा। जस्ट कंसीडर करो कि अगर आपको किसी नेटवर्क का जिसके साथ आपको कम्युनिकेशन करना है, अगर आपको पता ही नहीं हो कि वो नेटवर्क क्लास ए का है, क्लास बी का है, क्लास सी का है, तो आप किस तरीके से कॉन्फिगर करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चैलेंजेस मोस्टली कब कैसे आते हैं और किस तरीके से आते हैं, तो मैं एक छोटा सा एक यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। जस्ट कंसिडर करो जो ये जो मैं मिडल वाला नेटवर्क ले रहा हूँ, मिडल वाला राउटर ले रहा हूँ, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। और यहाँ पे जो मैं यूजर PC मैंने जो क्रिएट किया है यहाँ पे 30.0.0.2 एंड 0.3, तो मैं इसको कंसिडर कर देता हूँ शायद, चलो ये गूगल के IP एड्रेस है। ओके, और यहाँ पे मेरा एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ। सो XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी को गूगल के साथ कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, लेकिन उसको गूगल का IP एड्रेस ही नहीं पता है, लेकिन उसको रीच होना है। तो इस सिचुएशन में मैं किस तरीके से रीच हो पाऊंगा। ठीक है, तो स्टैटिक राउटिंग तो हम लोग मैन्युअली करते थे, तो मैन्युअली तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी। तो इस टाइम में मार्केट में आया डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल स्टैटिक राउटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अभी हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं उसके फीचर्स क्या है, किस तरीके से डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो सबसे पहले डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल इज कॉन्फिगर्ड फॉर अननोन डेस्टिनेशन। अगर मुझे डेस्टिनेशन पता भी नहीं है, तभी भी मैं डिफॉल्ट राउटिंग के थ्रू डेस्टिनेशन तक रीच हो सकता हूं। ठीक है, सेकंड थिंग, डिफॉल्ट राउटिंग आल्सो कैन बी यूज टू द एंड लोकेशन। अगर मेरे पास एंड लोकेशन है, उस साइन में भी मैं डिफॉल्ट राउटिंग का यूज कर सकता हूं। डिफॉल्ट राउटिंग में हमें तो डेस्टिनेशन नेटवर्क ID पता ही नहीं होता है, तो डिफॉल्ट राउटिंग में जब भी हम लोग फार्मूला यूज करते हैं कॉन्फिगरेशन के लिए, तो सिंपल सा फार्मूला होता है IP राउट। अगर मुझे डेस्टिनेशन नेटवर्क ID ही नहीं पता है, तो मैं यूज करूंगा 0.0.0.0। ठीक है, डेस्टिनेशन नेटवर्क ID का सबनेट मास्क ही नहीं पता, तो मैं यहाँ पे भी 0.0.0.0 जो कि डिफॉल्ट होता है वो यूज करूंगा, और उसके बाद मैं यूज करूंगा गेटवे। ठीक है, ये तो पता हो गई। ठीक है, तो मैं गेटवे का यूज करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे जो मेरे करंट टोपोलॉजी है, तो करंट टोपोलॉजी में मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास 3 राउटर है, करेक्ट। तो मैं बीच वाले राउटर को ISP कंसिडर कर देता हूँ। ठीक है, जो मेरा मिडल वाला राउटर है, मैं उसको कंसिडर करूंगा ISP। ये मेरा हो गया ISP राउटर। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये दोनों राउटर से जो मैंने कॉन्फिगरेशन किया है वो रिमूव कर देता हूँ, मतलब जो मैंने स्टैटिक राउटिंग का कॉन्फिगरेशन है वो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो स्टैटिक राउटिंग का कॉन्फिगरेशन रिमूव करने के लिए सिंपल सी कमांड है। सबसे पहले तो मैं इस तरीके से कॉन्फिगर करता हूँ, सबसे पहले तीनों को राइट क्लिक करके कॉपी कर दूंगा, सिंपल से नोटपैड में जाके सबको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में सबके आगे में मैं नो लिख लूंगा, नो IP राउट और जो भी मैंने कमांड चलाया IP एड्रेसिंग दिया है, ये सब का सब नो हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सेम एस यहाँ पे भी मैं कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं करता हूँ पेस्ट कॉन्फिगरेशन टर्मिनल में। ठीक है, देखो जैसे मैंने कमांड लाइन चलाया तो मेरे स्टैटिक राउट चले गए होंगे, शो IP राउट यहाँ पे देख सकते हैं, स्टैटिक राउटिंग नहीं है अभी। ठीक है, नहीं है यहाँ पे। सेम एस मुझे रन करना है R3 के ऊपर। ठीक है, कॉन्फिगर टर्मिनल राउटर सॉरी शो रनिंग कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे भी मेरे पास 3 नेटवर्क यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं सेम एज राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा, नोटपैड में पेस्ट करूंगा और इसके आगे मैं नो लिखूंगा। कॉन्फिगरेशन टर्मिनल राइट क्लिक पेस्ट। ठीक है, यहां से भी मैंने स्टैटिक राउट हटा दिया। ओके, तो अभी टोपोलॉजी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अभी टोपोलॉजी में ये जो राउटर है, इस राउटर को मैं ISP कंसीडर करने वाला हूं, और जो मेरा ISP राउटर होता है उसको सभी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, जो मेरा R2 है उसके ऊपर जाके राउट चेक करता हूँ, शो IP राउट।
तो आर टू के पास सभी राउट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आर टू के पास देख सकते हैं 10 का भी नेटवर्क इंफॉर्मेशन है, 20 का भी नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है, 30 का भी है, 1.0 एंड 2.0 मतलब 192 नेटवर्क की भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब ओवरऑल उसको टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये जो राउटर है, इस राउटर को पता नहीं है इस नेटवर्क के साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से पिंग करके देखता हूँ 30.0.0.2 तो उसको रीच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके राउटिंग टेबल में है ही नहीं। जैसे कि राउटर का गोल्डन राउटिंग टेबल में नहीं है तो वो पिंग ही नहीं कर पाएगा। ओके, सेम एज R3 से भी अगर मैं 10.0.0.1 को भी पिंग करके देखता हूँ तो वो भी नहीं होगा, बिकॉज उसके राउटिंग टेबल में नहीं है। लेकिन अभी मुझे पता ही नहीं, मतलब R1 को पता नहीं इसके पास 30 का नेटवर्क है और R3 को पता नहीं इसके पास 10 का नेटवर्क है, तो R1 तो हो गया अभी कंफ्यूज। R1 बोलता है कि मुझे 30 के साथ, मतलब जस्ट कंसीडर करो इधर गूगल गूगल का नेटवर्क है, ठीक है, जस्ट कंसीडर करते हैं, मैं इधर गूगल डाल देता हूँ, उसका आईपी एड्रेस है 30.0.0.2, ठीक है, ये मेरा गूगल का है, लेकिन मुझे उसके साथ कम्युनिकेशन करना है R1 के थ्रू। तो R1 क्या बोलता है, मैं जिसके साथ कनेक्ट हूँ वो है मेरा सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। R1 ये बोलता है कि मैं जिसके साथ कनेक्ट हूँ सर्विस प्रोवाइडर है, और मेरे सर्विस प्रोवाइडर को पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। सेम एज R3 भी यही सोचता है, R3 बोलता है मैं भी जिसके साथ कनेक्ट हूँ वो भी है सर्विस प्रोवाइडर, मतलब सर्विस प्रोवाइडर को सभी के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास सभी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। तो ये दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपने राउट के ऊपर, हम अपने राउटर के ऊपर एक डिफॉल्ट राउट क्रिएट करते हैं और उसको बोलते हैं कि तू जो गेटवे है वो सर्विस प्रोवाइडर का डिफाइन करेंगे, मतलब डिफॉल्ट राउट बना के सर्विस प्रोवाइडर का गेटवे डिफाइन करेंगे। सेम एज R3 भी यही बोलता है मैं भी एक डिफॉल्ट राउट क्रिएट करके सर्विस प्रोवाइडर का गेटवे डिफाइन करता हूँ और उसके बाद चेक करता हूँ जो ये मेरे ABC यूजर्स है वो यहाँ से ये जो नीचे में गूगल की सर्विसेज दिख रही है 30.0.0.2 उसको मैं रीच करके देखूंगा पिंग होता है कि नहीं। तो सबसे पहले डिफॉल्ट राउट चलाने के लिए मेरे पास सिंगल सा कमांड है, ठीक है, और वो स्टैटिक राउटिंग के मुकाबले में आसान क्यों है। सेम एस वही फार्मूला यूज कर रहा हूं मैं, IP राउट, ठीक है, लेकिन अभी इसको पता नहीं कि डेस्टिनेशन का नेटवर्क आईडी कौन सा है। तो यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी पता नहीं है, उसका सबनेट मास्क भी नहीं पता, क्लास ए का है, बी का है या सी का है, लेकिन मुझे गेटवे पता है। तो इसका गेटवे आएगा 192.168.1.2, ठीक है। अभी मैं राउटिंग टेबल नहीं दिखाऊंगा, इसके बाद दिखाऊंगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन मैं करूंगा R3 के ऊपर, RP राउट 30.0.0.0 क्योंकि डेस्टिनेशन पता नहीं है, ओके, और गेटवे आएगा 192.168.2.1, ठीक है। अभी फिर से R1 के ऊपर जंप करते हैं। जैसे मैं R1 के ऊपर जंप कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने शो IP राउट डाला, जैसे मैंने शो IP राउट डाला तो आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ एक कमांड दिख रहा है, कुछ एक राउट दिख रहा है जो S* से शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप सोचोगे S नाम से तो स्टैटिक आता है, ठीक है, और यहाँ स्टार मतलब कैंडिडेट डिफॉल्ट, ठीक है। जब भी आप इस तरीके का राउट देखोगे उसको हम लोग डिफॉल्ट राउट ही बोलते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में उन्होंने स्टैटिक डिफॉल्ट राउट ही बोला है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखो, स्टैटिक डिफॉल्ट बोल दो या तो डिफॉल्ट बोल दो, ठीक है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे एक राउट क्रिएट हुआ, तो ये राउट क्या डिफाइन करता है कि मेरे पास कोई भी नेटवर्क में जाने के लिए मुझे पता नहीं है कौन सा डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी है, तो इसलिए उसने 0.0.0.0 यूज किया है और उसने बोला है कि मैं जिस गेटवे से बाहर जाऊंगा वो गेटवे डिफाइन है यहाँ पे, ठीक है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर का गेटवे। सेम एज अगर मैं R3 के ऊपर चेक करता हूँ तो R3 के ऊपर भी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। R3 भी क्या बोलता है कि मेरे पास भी डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि कौन से वाले गेटवे से मुझे बाहर जाना है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर का गेटवे, ठीक है। अभी मैं स्टिल R1 के राउटिंग टेबल में चेक करता हूँ शो IP राउट, यहाँ पे मुझे 30 का नेटवर्क नहीं दिखता है, लेकिन अभी मैं 30 के नेटवर्क को पिंग करके देखता हूँ जो कि मेरा गूगल है, तो इसको पिंग जा रहा है। वो किस तरीके से जा रहा है, इसने अपना ट्रैफिक भेजा सर्विस प्रोवाइडर के पास और सर्विस प्रोवाइडर ने
आगे में अपना ट्रैफिक पहुंचाने का काम किया. सेम है अगर मैं R3 से करता हूँ तो R3 से भी हो पाएगा 10.0.0.2. देखो R3 से भी ट्रैफिक जाएगा, जाना चाहिए. अगर नहीं जा रहा तो हमारे राउटिंग टेबल में कुछ मिस्टेक है, तो हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, इसका IP एड्रेस 2E है कि नहीं 1 है, वो चेक कर लेते एक बार. IP एड्रेस तो 2 ही दिया है. ठीक है, यहाँ से फिर से एक बार चेक कर लेते हैं. 1 को तो जा रहा है, ओके अभी जा रहा है. चलो ठीक है, सेम एस 3. मतलब क्या हो रहा है, मैं ये वाले यूजर से लास्ट वाले यूजर को भी पिंग कर पा रहा हूँ. ठीक है, इस तरीके से मैं डिफॉल्ट राउटिंग का यूज करता हूँ. ठीक है, अगर मुझे यूजर पीसी से भी पिंग करके देखना है तो मैं यूजर पीसी से भी पिंग करके देख सकता हूँ 30.0.0.2. यहाँ से 4 पैकेट जाएंगे, आप देख सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट पैकेट, सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट एंड फोर्थ पैकेट. हमेशा 32 बाइट्स के पैकेट्स होते हैं. ठीक है, तो ये बात याद रखना. ओके, तो डिफॉल्ट राउटिंग का कॉन्फिगरेशन इसी तरीके से करते हैं, बहुत इजी है. इसमें कुछ दिक्कत है डिफॉल्ट राउटिंग में? नो, इट्स क्लियर. ओके कार्तिक, फाइन फाइन. ओके, अभी क्या होता है जनरली, अगर मैं कोई सिस्टम यूज करता हूँ या फिर मेरा खुद का कुछ नेटवर्क है, तो अगर मुझे चेक करना है कि मैंने अपने सिस्टम को किस तरीके का IP एड्रेस असाइन किया है, ठीक है, या तो मुझे मैन्युअली IP एड्रेस असाइन करना है मेरे लैपटॉप को इन प्रोडक्शन में, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करके वहां पे हमारे पास ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग होता है. ठीक है, अगर मैं LAN के इंटरफेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का विंडो दिखेगा. तो आप लेफ्ट साइड में देखना कि इथरनेट कौन सा, तो इथरनेट IP एड्रेस असाइन करना है मुझे, करेक्ट. तो इथरनेट के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो यूज कर रहा हूँ, मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ. तो आप विंडोज 10 में राइट हैंड साइड पे ऑप्शन आता है चेंज एडाप्टर ऑप्शन, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ. जैसे चेंज एडाप्टर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि इथरनेट कौन सा है. तो यहाँ पे देख सकते हैं इथरनेट मेरे पास ऑप्शन है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज ओपन करता हूँ. ठीक है, प्रॉपर्टीज में यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो कि हम लोग IP एड्रेस असाइन करते हैं, इसके ऊपर सिंपल डबल क्लिक और यहाँ पे हम लोग IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं. ठीक है, क्लास C का नेटवर्क है तो सबनेट मास्क भी मैंने यूज किया 255.255.255.0 और यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं मैंने गेटवे भी असाइन किया है. ठीक है, उसका सिंपल सा ओके करो, सिंपल सा ओके करो. ठीक है, मैं यहाँ पे ओके नहीं किया, सिंपल सा ओके करो, डबल क्लिक करो और ये आपका इंटरनेट को IP एड्रेस देने का कॉन्फिगरेशन हो जाएगा. यूजर पीसी के ऊपर IP एड्रेस देना बहुत सिंपल सा काम है. ठीक है, वो तो आपको आना ही चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं अपना डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल. और डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल इतना ही है, इसके बाहर में कुछ है नहीं. अगर इसमें आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. नहीं, इट्स ओके. ठीक है, सी यहाँ पे भी आप एक चीज देख सकते हो कि एस्टर. ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल का AD वैल्यू कुछ डिफरेंट नहीं है. जो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का AD वैल्यू है वही डिफॉल्ट राउटिंग का है, बिकॉज इसको स्टैटिक डिफॉल्ट ही बोलते हैं. ठीक है, सेकंड थिंग, डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के मुकाबले में आसान इसलिए है क्योंकि स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में मैंने जब कॉन्फिगर किया था R1 के ऊपर तो मेरे पास 3 कमांड आया था, मुझे 3 कमांड देके कॉन्फिगर करना पड़ा मैन्युअली ईच एंड एवरी नेटवर्क को. लेकिन डिफॉल्ट राउटर ने मेरा काम आसान बना दिया, मैंने एक ही कमांड में मेरे पूरे के पूरे नेटवर्क को कॉन्फिगर कर दिया. सेम एज R3 के ऊपर भी मैं चेक करता हूँ, R3 के ऊपर मैंने पहले 3 कमांड चलाया था, अभी सिंपल एक ही कमांड में मेरा कॉन्फिगरेशन हो गया. ठीक है, और रही बात R2 की, R2 तो सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके ऊपर सभी कमांड चलने ही चाहिए. ठीक है, मतलब सभी नेटवर्क आने ही चाहिए. तो R2 के ऊपर मैंने मोस्टली स्टैटिक ही रखा है, उसके ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं किया. R1 और R3 के बीच में मैंने R1 और R3 के ऊपर मैंने डिफॉल्ट आउट का यूज किया है. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं. ठीक है, तो अभी कैसा, मतलब इसमें कुछ प्रैक्टिकल वगैरह किस तरीके से करोगे तुम? प्रैक्टिकल पैकेट के ऊपर करोगे या GNS के ऊपर करोगे?